Good morning, students. Today we learn our first unit's last reading C. A great moment for all those children. ठीक है, हमारी पहली जो यूनिट है उसका लास्ट जो रीडिंग सी है उसका ये लेशन है, अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन. ग्रेट मोमेंट मतलब एक महत्वपूर्ण क्षण, महान क्षण फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए. ठीक है, तो ये एक टेलीफोन इंटरव्यू वाला लेशन है जहाँ पर एडम स्मिथ जो नोबेल प्राइज़ की तरफ से बात कर रहे हैं, हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी जिसे जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में. ठीक है, आइए देखते हैं इस इंटरव्यू को. ठीक है, टेलीफोन का इंटरव्यू है ये, विथ इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार. ठीक है, विथ कैलाश सत्यार्थी. किनके साथ ही ये कैलाश सत्यार्थी के साथ हैं, फॉलोइंग है ना उनके साथी जो हैं. द अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा किया गया था ऑफ द 2014 नोबेल प्राइज. ठीक है, 2014 की जो नोबेल प्राइज है उसकी अनाउंसमेंट किया गया था, उसी के संबंध में बातचीत थी. और ये कब की बात है, 10 अक्टूबर 2014 की बात है. द इंटरव्यूअर साक्षात्कार लेने वाला कौन था, इस एडम स्मिथ. ठीक है, वो कौन थे, एडम स्मिथ थे. और वो कौन थे एडम स्मिथ, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर. ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक ऑफिसर थे और वो कहाँ के थे, नोबेल मीडिया के थे. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जिनके लिए के एस लिखा गया है, के एस मतलब होता है कैलाश सत्यार्थी, और एडम स्मिथ के लिए ए एस लिखा है ना, एडम स्मिथ. ठीक, तो दोनों की बातें देखते हैं. कैलाश सत्यार्थी, हेलो, फ़ोन की घंटी बजती है तो उठाने वाला पहले हेलो कहता है, तो उन्होंने हेलो कहा है ना. एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, हेलो मिस्टर सत्यार्थी, है ना, मिस्टर सत्यार्थी बोल रहे हैं क्या, है ना, ऐसा है. कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं स्पीकिंग, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बताइए, है ना, इस तरह से. तो एडम स्मिथ आगे बोलते हैं, हेलो माय नेम इज़ एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्कॉटहोम. स्कॉटहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन एक देश है उसकी राजधानी है, वहाँ से ये बोल रहे हैं. माय नेम इज़ एडम स्मिथ, मेरा नाम एडम स्मिथ है, कॉलिंग फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट, है ना, मैं नोबेल प्राइज वेबसाइट है ना स्टॉकहोम से बात कर रहा हूँ. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो ऑन द अवार्ड. किसके लिए बधाई हो, अवार्ड के लिए बधाई हो ऑफ नोबेल प्राइज, मतलब आपने नोबेल प्राइज जीता है इसके लिए आपको बधाई हो. तो कैलाश सत्यार्थी जो बोलते हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यू हैव गिवन अ ग्रेट ऑनर, आपने मुझे गिवन दिया है ग्रेट ऑनर. ग्रेट मतलब महान होता है, ऑनर मतलब सम्मान होता है. इन द अनक्लियर मतलब गला साफ करना होता है, उनका गला बैठ गया था इसलिए थोड़ा सा गला साफ किए, है ना. और आगे बोलते हैं, टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रंस. ठीक है, हंड्रेड्स मिलियन मतलब सैकड़ों मिलियन जो बच्चे हैं, लाखों जो बच्चे हैं, है ना, इन द वर्ल्ड, संसार के, हु आर डिप्राइव, जो डिप्राइव हैं, डिप्राइव मतलब होता है वंचित होना, जो वंचित हो चुके हैं ऑफ दियर चाइल्डहुड. किससे वंचित हो गए हैं, अपने बचपने से वंचित हो गए हैं. वो होटलों में काम करते हैं, इधर उधर घरों में काम करते हैं, उन्हें बचपन जीने का मौका नहीं मिल पाता है. तो ये उनके लिए क्या की बात है, उनके लिए अच्छी बात है, है ना. एंड हेल्थ, और वो हेल्थ से भी वंचित हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है. और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन से भी वंचित हो गए हैं. द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, फ्रीडम की जो फंडामेंटल राइट्स है, आधारभूत जो अधिकार हैं, उनसे भी वो क्या हो गए हैं, डिप्राइव हो गए हैं, उनसे भी वो वंचित हो गए हैं. तो उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट. ठीक है, ये एक महान क्षण है फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, और आपको इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
एडम स्मिथ आगे बोलते हैं, वेल थैंक यू, ठीक है, अच्छा धन्यवाद कैलाश सत्यार्थी। फिर बोलते हैं इट इज़ आल्सो अ ग्रेट ऑनर, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, ग्रेट मतलब महान, ऑनर मतलब सम्मान, फॉर एवरी इंडियन सिटीजन्स, और ये किन के लिए भी महान बात है, इंडियन सिटीजन के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए भी। आई एम रियली रियली थैंकफुल, मैं आपका वास्तव में बहुत बहुत थैंकफुल हूँ टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का ये प्राइज़ देने के लिए, आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एडम स्मिथ आगे बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, है ना, ये आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, थैंक यू, धन्यवाद। व्हाट मैसेज डू यू होप, है ना, व्हाट मैसेज, मैसेज मतलब संदेश होता है, डू यू होप, होप मतलब आशा करना, आप आशा करते हैं दैट द प्राइज अवार्ड, जो अवार्ड का जो प्राइज है या आपको जो इनाम दिया जा रहा है, विल डिलीवर, डिलीवर मतलब प्राप्त होना टू द वर्ल्ड, ठीक है, इस संसार को, मतलब आप जो अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं इससे संसार को क्या मिलेगा, ये एडम स्मिथ का एक क्वेश्चन है ना। तो आगे कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, बताते हैं कि संसार को क्या मिलेगा, कैलाश सत्यार्थी वेल आई एम क्वाइट होपफुल, मुझे आशा है, मैं थोड़ा सा होपफुल हूँ, आशावादी हूँ, एंड रेदर, ठीक है, बल्कि श्योर हूँ, ठीक है, श्योर, ठीक है, लेकिन रेदर मतलब बल्कि होता है, श्योर मतलब आश्वस्त हो जाना, ठीक है, मैं थोड़ा सा आशावादी हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हूँ, श्योर हूँ, आश्वस्त हूँ दैट कि दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी, ये क्या देगी, ये हेल्प करेगी, ये मदद करेगी गिविंग देने में, बिगर मतलब बहुत बड़ा, विजिबिलिटी मतलब दृश्यता, लोगों के नज़र में आएगा, है ना, एंड अटेंशन ध्यान आएगा टू कॉज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों का जो कारण है वो लोगों के ध्यान में आएगा, हु आर मोस्ट नेगलेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, नेगलेक्ट मतलब ध्यान नहीं देना, ठीक है, एंड मोस्ट डिप्राइव, डिप्राइव अभी बताया था मैं, वंचित होना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा वंचित हैं, उन सब के बारे में लोगों का ध्यान आएगा, ठीक है। दिस विल ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स, ये इंस्पायर करेगा, इंस्पायर मतलब प्रेरित करेगा इंडिविजुअल्स, ठीक है, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को इंस्पायर करेगा, एक्टिविस्ट को इंस्पायर करेगा, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता जो हैं हमारे, जो सक्रियवादी हैं, जो काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा प्रेरित करेगा, गवर्नमेंट्स को प्रेरित करेगा, बिजनेस हाउसेस को, बड़े बड़े जो बिजनेस करने वाले हैं उनको प्रेरित करेगा, कॉरपोरेट को, कॉरपोरेट मतलब होता है संगठित क्षेत्र जो हैं उनको प्रेरित करेगा टू वर्क हैंड इन हैंड, है ना, हाथ में हाथ रख के, या हाथ में हाथ रख के क्या कहोगे, काम करने के लिए प्रेरित करेगा, टू फाइट दिस आउट, इससे लड़ाई करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे ये क्या होगा, दिस आउट, ये बाहर चले जाएगा, बच्चों का शोषण खत्म हो जाएगा। एंड आई एम क्वाइट होपफुल, और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, मैं आशावादी हूँ अबाउट इट, इसके बारे में, दैट द रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब होता है मान्यता, रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता, दैट रिकॉग्निशन, ये जो मान्यता है ऑफ दिस इशू, इस इशू का, इस मामले की जो मान्यता हो जाएगी, विल हेल्प मोबिलाइजिंग, ठीक है, मोबिलाइजिंग मतलब होता है गतिशीलता, ठीक है, बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज, ठीक है, कारण के कारण को बिगर सपोर्ट मिलेगा, मतलब लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, जिससे ये क्या होगा, गतिशील हो जाएगा और हमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं एडम स्मिथ, मार्वलस, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड जो बोलते हैं वो छोटा वर्ड हो जाता है जब मार्वलस कहा जाता है, मार्वलस मतलब बहुत 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 अच्छा होता है, ठीक है। दिस विल फोकस, ठीक है, ये फोकस करेगा, ये केंद्रित करेगा, अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन को फोकस करेगा, लोगों का ध्यान इस पर आएगा, ऑन योर वर्क, आपके काम पर आएगा, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू, कैसे चारों ओर जो लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, यू आपके विथ योर मिशन, आपके उद्देश्य जो है, आपका जो लक्ष्य है उस पर संसार के लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो जरूरी बात है,
एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज्ड, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, सभी व्यक्तियों को तो सबसे पहले ये क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एंड फील दैट, और महसूस करना चाहिए, फील मतलब महसूस करना होता है, उन्हें महसूस करना चाहिए चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट, कि क्या है चाइल्ड स्लेवरी जो है ना, बालों बाल बच्चों की या छोटे छोटे बच्चों की स्लेवरी जो है, गुलामी जो है या दास्ता की जो प्रथा है वो आज भी क्या है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब निहित है, अंतर्निहित है ना, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, ठीक। इन इट्स अग्लिस्ट फेस, अग्लिस्ट मतलब सबसे बुरी या सबसे गंदी या कुरूप कह सकते हैं, अपने कुरूप फेस और फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप होता है, फेस मतलब चेहरा होता है, ठीक है। तो अपने कुरूप चेहरा और रूप में आज भी इस संसार में विद्यमान है। एंड दिस इज एन एविल, और यह एक दानव है, एविल मतलब दानव, ठीक है, यह एक दानव है, यह एक दैत्य है, विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी मतलब मानवता होता है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है, क्राइम मतलब अपराध, जो हमारी जो मानवता है उसके विरुद्ध अपराध है, विच इज इंटॉलरेबल, ठीक है, इंटॉलरेबल मतलब असहनीय होता है, ठीक है, जो असहनीय है, विच इज अनएक्सेप्टेबल, जो अस्वीकारणीय है ना, एंड विच मस्ट गो, जिसे जाना चाहिए, दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, यह पहचान हो जाएगी तो इस अर्थ में पहचान हो जाएगी, मस्ट बी डेवलप, ठीक है, जिससे डेवलप हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, विकसित, डेवलप मतलब विकसित हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों के मन में सबसे पहली जो बात है, लोगों के मन में ये जो सेंस पैदा हो जाएगा, ये सेंस की पहचान हो जाएगी, ये जो सेंस की पहचान है वो डेवलप हो जाएगी, है ना, ये सबसे बड़ी बात है, पहली जो चीज़ है। एंड सेकेंडली, अब दूसरी जो बात है वो आगे ये है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल, है ना, यहाँ पर एक नीड है, नीड मतलब आवश्यकता है, अब हायर अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट मतलब मात्रा होता है, हायर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, देयर इज़ अ नीड, यहाँ पर एक आवश्यकता है, आप हायर अमाउंट ऑफ कॉरपोरेट इंगेजमेंट, कॉरपोरेट जो है संगठित क्षेत्र जो है उसका इंगेजमेंट, उसका व्यस्तता होना, उसका दखल देना आवश्यक है, एंड द इंगेजमेंट ऑफ पब्लिक टूवर्ड्स इट, और लोगों का उसमें दखल देना इम्पॉर्टेंट है, लोग जागरूक हो जाएंगे, है ना। सो एवरीबॉडी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या होगा, एवरीबॉडी, सभी व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व हो जाएगा, टू सेव, है ना, सेव करने में, बचाने में, एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेनेट, ये जो हमारी प्लेनेट है, ब्यूटीफुल प्लेनेट है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारा ग्रह है, इससे बच्चों को, इसमें बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सब लोग अपना अपना उत्तरदायित्व ले लेंगे, ठीक है। एडम स्मिथ आगे बोलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, एंड आई सपोज, ठीक है, सपोज मतलब अनुमान लगाना होता है, मैं अनुमान लगाता हूँ, देयर इज इन चाइल्ड सेलेब्री विक, ठीक है, इन मतलब अन, चाइल्ड सेलेब्री विक है ना, बच्चों की गुलामी वाले सप्ताह है ना, ठीक है, तो उसका अंत वाला है, कमिंग अप इन नवंबर, है ना, कब आ रहा है, नवंबर में आ रहा है, ये कॉल कब आया था, 10 अक्टूबर 2014 को आया था, तो नवंबर में जो चाइल्ड सेलेब्री इन वीक होता है वो आने वाला है, ठीक है। सो एवरीबॉडी कैन गेट, इससे सभी लोगों को प्राप्त होगा, सभी लोग इससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी आगे बोलते हैं, ऑफकोर्स, निसंदेह, यस, हाँ, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, संगठित करने जा रहे हैं, या बनाने जा रहे हैं, या कार्यक्रम करने जा रहे हैं इन चाइल्ड सेलेब्री वीक, है ना, चाइल्ड की, चाइल्ड सेलेब्री जो है उसका एंड करने वाला सप्ताह जो है फ्रॉम 19th November to 25th November, ठीक है, 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में हमारी इन चाइल्ड सेलेब्री वीक आने वाली है ना, एंड दैट वुड बी एन एनुअल इवेंट, और वो क्या होगा, एनुअल इवेंट होगा, साल में एक बार होगा,
है ना, विच वी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, मनाने जा रहे हैं, एवरी ईयर, हर साल मनाया जाएगा। कब कब मनाया जाएगा? 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में हर साल ये सप्ताह मनाया जाना है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, एस्पेक्ट मतलब होता है दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण को लेकर ये जो चाइल्ड सेलेब्री वीक मनाया जाएगा। एंड दिस ईयर, और इस साल, ठीक है, वी आर डिमांडिंग, हम मांग कर रहे हैं, डिमांड करना मतलब मांग करना होता है, टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी मतलब समाज से, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, समाज से हम सूचना की मांग कर रहे हैं, दैट द एबोलिशन, ठीक है, एबोलिशन मतलब होता है उन्मूलन, ठीक, हम लोग किसके लिए मांग कर रहे हैं, उन्मूलन करने के लिए, आप चाइल्ड स्लेवरी, बच्चों की जो स्लेवरी है, बच्चों की जो गुलामी है, उसके उन्मूलन की, उसको नष्ट करने की, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है समाविष्ट होना, ठीक है, इसमें समाविष्ट होगा इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट, ठीक है, पोस्ट मतलब आगे, ठीक, पोस्ट मिलेनियम मतलब होता है हजारों साल, ठीक है, पोस्ट मिलेनियम मीन्स हजारों साल के डेवलपमेंट मतलब विकास गोल उद्देश्य, आर द सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब आगे बढ़ाने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, है ना, डेवलपमेंट विकास और उसका उससे संबंधित जो गोल है, उन सब के बारे में हम लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। सो दैट वुड बी द एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व, ठीक है, तो इसका जो, इन सब का जो महत्व है, एम्फेसिस ऑफ दिस ईयर, इस साल के लिए, इन चाइल्ड सेलेब्री वीक, हम लोग जो इन चाइल्ड सेलेब्री वीक मनाए जा रहे हैं, उनमें इन सारी बातों के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इन सारी बातों को हमने समाविष्ट किया है, ठीक है। एडम स्मिथ बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस, ठीक है, स्पीकिंग मतलब बात करना होता है, इंडीड मतलब दरअसल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दरअसल हमसे बात करने के लिए। एंड अगेन, ठीक है, अगेन मतलब फिर से, अवर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी जो बधाइयाँ हैं ऑन द अवार्ड ऑफ नोबल प्राइज़, ठीक है, आपने जो नोबल प्राइज़ अवार्ड जीता है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, थैंक यू वंस अगेन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, वंस अगेन मतलब फिर से, ठीक है। ऑन बिहाफ, बिहाफ मतलब होता है गहराई से, है ना, गहराई से या हेतु, ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरे सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हुम, जो आई वर्क विथ, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ऑल द एक्टिविट्स, मेरे सारे कार्यकर्ता, एंड ऑल माई फेलो इंडियंस, और मेरे जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ भी थैंक यू बोलते हैं, कैलाश सत्यार्थी बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे कुछ लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के बारे में, ये कौन है और नोबेल प्राइज़ कैसे जीते, ठीक है, तो देख लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफजई फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से थे, कैलाश सत्यार्थी भारत से थे, वाज अवार्डेड, दोनों को अवार्ड किया गया था, दोनों को इनाम दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन 2014, ठीक है, 2014 में दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर दियर स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल के लिए, उनके संघर्षों के लिए, अगेंस्ट द सप्रेशन, ठीक है, सप्रेशन मतलब होता है अलग करना, ठीक है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को इन सब से अलग करने की जो उनकी संघर्ष थी, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एंड यंग पीपल, जो युवा लोग थे, है ना, एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, ठीक है, इससे क्या हुआ, बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार कानून भी लागू हुआ था वो, उस पर भी ये इसका थोड़ा बहुत प्रभाव था। सत्यार्थी इज फिफ्थ नोबेल प्राइज़, सत्यार्थी जी को जो पांचवी बार नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, विनर हैं फ्रॉम इंडिया, भारत से, है ना, एंड द सेकंड इंडियन विनर, और वो भारत के दूसरे नोबेल प्राइज़ विनर हैं ऑफ द नोबेल पीस, जो शांति से संबंधित हैं, शांति से संबंधित पहला जो इनाम था या पहला जो प्राइज़ था
वो किनको दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को पहला शांति का पुरस्कार दिया गया था और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का पुरस्कार दिया गया था नोबेल प्राइज़ के रूप में। थैंक यू।